प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं अभी। प्रधानमंत्री हम तो ये मना रहे हैं माता जी, अब किस बार नरेंद्र मोदी गिर ही जाए। अच्छा, कोई नरेंद्र मोदी गिर जाए, अखिलेश यादव जीत जाए, नारा लगा दो फिर एक बार। नारा तो ये अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत सही, ये देखिए अखिलेश भैया अगर देखेंगे बहुत खुश होंगे। बताइए कौन बढ़िया है? नरेंद्र मोदी तो जो काम कर रहे थे वो सब ठीक ही काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, महंगाई कम हो गई है। हाँ, महंगाई पहले दाल 150 रुपया थी, अब 100 रुपया है। आपके लायक नहीं है, शादी का रिश्ता थोड़ी ना करना है, प्रधानमंत्री पद देख रहे हैं। हर मोर्चे पर विफल है। जी हाँ। अरे वोट नहीं करते हैं? वोट करते हैं ना। राहुल तो अभी बच्चा है, राजनीति करने का ढंग नहीं है अभी उनको। सीएनजी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, 5 रुपए का छूट मिला है, चुनावी लॉलीपॉप दिया गया है। लॉलीपॉप सबको दिया जाता है। कौन बनेगा 2019 में प्रधानमंत्री, ये जानने के लिए रोजमर्रा के काम अपनी मेहनत के बाद पैसा कमाते हैं। 2019 में के बनी भैया प्रधानमंत्री? मोदी बनी। और कौन बनी? मोदी बनी। के वोट किया रहा 14 में? मोदी जी। मोदी किए थे। क्यों राहुल गांधी नहीं पसंद हैं? बहुत व्यस्त हैं भाई, फोन भी आ गया, डिजिटल इंडिया इन्हीं के साथ चल रहा है। 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा दादा? अब राहुल गांधी का लड़ा कौन बन सकता है? राहुल गांधी बन सकते हैं। क्या है भैया, मोदी से खफा हैं क्या? हम खफा आई हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिए, 5-5 रुपया महंगाई कर दिए, नोटबंदी कर दिए। हर मोर्चे पर विफल है। जी हाँ, मैं किसान हूँ। 6 बीघा धान बैठाला था, सारे बछड़ा खा गए। मतलब योगी जी ने जो गौवंश बचाने की मुहिम छेड़ी उसी दिक्कत होत बा? दिक्कत नहीं होत बा, बचाना चाहिए, गौ माता है जी। लेकिन उसके लिए कुछ करना चाहिए उनको। हाँ, सड़क पे ना छोड़ें, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ, डीजल 75 रुपया लीटर ला रहा हूँ, खींच नहीं पा रहा हूँ। काम तो कर दिए ना चुनाव में। कुछ नहीं, चुनाव में तो सब कुछ कम हो जाएगा मेरे भाई, तो आप भी जानते हैं। 19 तक कम रहेगा, फिर बढ़ जाएगा। 19 के बाद मालूम होगा, 19 के चुनाव के बाद ही मालूम होगा कि क्या होता है, क्या किया हमने। तो अब की बार राहुल गांधी बनिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी ही बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं भैया। अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पीछे भी हमारे दादा खड़े हैं, ये बताइए चाचा 2019 में के बनी प्रधानमंत्री हो? हमको पता नहीं। अरे वोट नहीं करते हैं? वोट करते हैं ना। बताइए 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। क्या है भैया, मोदी जी से काहे इतना खफा है सब लोग? मोदी जी से जब डीजल पेट्रोल दाम बढ़ावा था, हर समय बढ़ा ही रहे हैं। तो 5-5 रुपए कम किए हैं भाई। 5 रुपए कम किया तो कई रुपया बढ़ाए हैं, युद्ध देखा जाए ना कितनी। कौन सी गाड़ी रखे हैं आप? हमें कुर गाड़ी ना रखी, तब भी परेशानी है। तब भी परेशानी है। जब हम परेशानी तो वोट ही नहीं डालने गए थे आप? वोट ही नहीं डालने गए थे? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात है ही, जब हमें लिए कुछ होते ना तो हम कागरे करी चाले। क्या चाहते हैं आप, आपके लिए क्या हो? अरे जो हमें लिए हो, मैंने क्या चाहा हूँ को भाई? कुछ तो चाहते होंगे ना सरकार से, क्या मांगे? सरकार से हमें कुछ मांग नहीं, सरकार क्या देगी, लेगी गरीब आदमी से, और क्या सरकार क्या मांगे को भाई, क्या मांगे, क्या क्या देगी हमें सरकार। चलिए ठीक है, आप बताइए 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। भैया क्या है पूरा लखनऊ मोदी जी से खपा खपा चल रहा है? 65 में पेट्रोल चल रहा था जी, 85 हो गया। हाँ। 5 रुपए कम गया तब भी तो महंगा है, उसमें हाँ। सस्ता क्या हुआ? तो नोटबंदी किए, काला धन बंद हो गया, पूरा देश तो लाइन में लगा हुआ था, खाता खुलवा दिए, ये सबसे कोई लाभ नहीं है हम लोगों को। स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम इंडिया इंडिया चला, इसके लिए कोई लाभ नहीं हम लोगों को, मजा नहीं है भैया। मोदी जी की तमाम योजनाओं से लखनऊ की जनता पूरी तरीके से खफा नजर आ रही है। अब की बार लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जी। आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से रिपीट होना चाहिए। आपका वोट किसको है? मोदी जी को है। मोदी जी को वोट है जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं? क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि ही इज़ मैच्योर्ड इनफ कि वो प्रधानमंत्री बन सके वो, क्योंकि उसके जो स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं वो इतनी मैच्योर्ड नहीं रहते हैं, जबकि मोदी जी जो देते हैं वो थोड़े मैच्योरिटी से वो जवाब। मतलब भैया आपका कहना ये है कि राहुल गांधी योग्य नहीं है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी योग्य नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर। अच्छा, अखिलेश यादव और मायावती एक साथ अगर मिल जाती हैं तो क्या मोदी को हरा देंगी?
मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि दोनों के जो आइडियाज़ हैं थोड़े अलग अलग हैं। ये दोनों एक होना इनका मुश्किल आपको लग रहा है कि इनको हरा देना मुश्किल लग रहा है? एक तरीके दोनों का एक होना मुश्किल लग रहा है मेरे को। ये बताइए, आप मोदी जी का फेवर पे हैं, मोदी जी चाहते हैं प्रधानमंत्री फिर से बने, गंगा साफ हुई? नहीं, देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर उनका जो सोच है बहुत साफ रहती है, लेकिन 370 भी नहीं हटी, नहीं राम मंदिर निर्माण भी नहीं हुआ। देखिए ये मुद्दा तो ऐसा है जो हल होने वाला ही नहीं है, मंदिर का मतलब हिंदुत्व के झंडे पर इस बार वोट नहीं होना है शायद, लेकिन अगर होगा तो विकास के नाम पर हो सकता है। अच्छा, हिंदुत्व के झंडे पर इस बार वोट नहीं होगा, होगा तो विकास के नाम पर होगा। इस बार 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अस्पष्ट बहुमत ना बीजेपी को मिलेगी ना कांग्रेस को मिलेगी। आपका वोट किसको होगा? राहुल तो अभी बच्चा है, राजनीति करने का ढंग नहीं है अभी उनको। 47 साल के राहुल गांधी जी हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि अभी बच्चे हैं। ये पूरी दुनिया में एक परिवार के तीन प्रधानमंत्री नेहरू परिवार है, फिर भी उस परिवार का भावी संतान राहुल गांधी को राजनीति करने और बयान देने का ढंग नहीं है, कैसे नेता माना जाए, पहली बात। दूसरा बात, बीजेपी लायक है लेकिन नरेंद्र मोदी अपने वादे पे बीजेपी खड़ा नहीं उतरे। न राम मंदिर पूरा हुआ, न 370 धारा समाप्त हुआ, न उनका अच्छा दिन आया। अब भगवान जाने या नरेंद्र मोदी जाने कि अच्छा दिन कब आएगा हिंदुस्तान। वो हम लोग के लायक नहीं, बस इतने जान लीजिए। वजह क्या क्या बताएंगे? आपके लायक नहीं है, शादी का रिश्ता थोड़ी ना करना है, प्रधानमंत्री पद देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है वो। महंगाई, हम लोग गरीबों के लिए महंगाई इसलिए, या आप लोग इतना घूमते हैं पैतरा मारते हैं इसके लिए 5-5 रुपया डीजल पेट्रोल कम कर दिए, अब वो आप खफा हैं? हम लोग यहाँ कम नहीं हुआ। नोटबंदी में लाइन लगाए थे? जी सर। तकलीफ हुई थी? बहुत ज़्यादा। तो वोट नहीं देंगे इसीलिए ना? लेकिन काला धन रुक गया। 2014 के चुनाव में जनता ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को वोट दिया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? नहीं बनेंगे, अब की बार कांग्रेस सरकार। इस बार कांग्रेस की सरकार जी। आम आदमी का हाथ राहुल गांधी के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। फिट दिखाई दे रहे हैं, मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आपका हाथ किसके साथ? कांग्रेस। आपका हाथ भी कांग्रेस के साथ जी। लगता है इस बार लखनऊ में पूरी तरीके से राहुल गांधी मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। पर ऑटो वाले भाई साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत दिन भर मेहनत करते हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस। आपकी पसंद भी कांग्रेस? वजह? केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में? प्रदेश में अखिलेश यादव जी। प्रदेश में अखिलेश, केंद्र में राहुल गांधी। जनता की पसंद यहां से आ रही है, शायद हमारे इस चैनल के थ्रू आपके सामने एक नई तस्वीर सामने आ रही होगी कि लखनऊ के अंदर किस तरीके से जनता का रुझान बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जहां कभी चप्पा चप्पा भाजपा के नारे लगते थे, वहीं आज जनता से बात करते हुए उनकी पहली पसंद राहुल गांधी के तौर पर दिखाई दे रही है। साहब, आपकी पहली पसंद कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए? प्रधानमंत्री तो सिर्फ यही बढ़िया रहे। कौन बढ़िया है? नरेंद्र मोदी। हमको भी बैठा लीजिए अपने साथ, आप बताइए कौन बढ़िया है? नरेंद्र मोदी तो जो काम कर रहे थे वो सब ठीक ही काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, महंगाई कम हो गई है। हाँ, महंगाई पहले दाल 150 रुपया थी, अब 100 रुपया है। अरे डीजल पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की छूट दी गई है, इससे आप खुश हैं? हाँ, इससे खुश हैं। तेल डलवाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ इंजन है, तेल डलवाते हैं। इस बार किसको वोट करेंगे? अब इस बार भी भाजपा को ही देंगे। इस बार भी आप भाजपा को वोट देंगे? अच्छा, मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो सकता है बढ़िया? अब ये तो ढूंढना पड़ेगा। आपकी नज़र से मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है? मोदी जी एकमात्र नेता हैं जो कि लोगों के मसीहा हैं। एक भाई साहब और भी बैठे हुए हैं, क्यों इस देश के अंदर क्या आप नहीं रहते हैं? आप वोट नहीं करते हैं? आपका अधिकार नहीं है? है तो आप बोलने में क्यों घबरा रहे हैं? 2019 में किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी को। क्यों भाई? उनका अच्छा काम, उनका करता धरता, वो उनके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। मोदी जी के अलावा इस देश में दूसरा कोई नेता नहीं है उनके बराबर का, मेरे हिसाब से। अच्छा, उनके बराबर आपके हिसाब से दूसरा कोई नेता नहीं है। 2019 के चुनाव में आपको क्या लगता है, बीजेपी चुनाव जीतेगी? बिल्कुल 100% में, कहने की कोई बात नहीं इसमें। आपकी क्या राय है? ठीक ही है, ठीक ही है जो है। क्या ठीक ही है भाई साहब? जो है सब ठीक ही है सर। क्या ठीक है? अपना क्या है, अपने को तो ऑटो चलाना है, ठीक है। हाँ, अपने को तो ट्रेन इधर आएगी तभी भाड़ा मिलेगा। अच्छा जी हाँ, वोट देंगे?
सीएनजी देखिए महंगी होती जा रही है, वोट देंगे महंगा होता जा रहा है, सीएनजी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, 5 रुपए का छूट मिला है, चुनावी लॉलीपॉप दिया गया है, वो लॉलीपॉप सबको दिया जाता है, इलेक्शन आता है। हाँ हाँ बिल्कुल कहिए, आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिए। जो गवर्नमेंट अलाउड में वर्कर हैं उनके लिए तो खूब ध्यान देते हैं, हाँ, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं या प्राइवेट नौकरी वाले उनके लिए क्या है? कुछ नहीं, 5,000 की नौकरी में वो गुजारा कर रहे हैं। रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उसके लिए क्या है? आप क्या करते हैं वैसे? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपके भी बिजनेस में कोई फर्क पड़ा है? बहुत पड़ा है। तब भी आप मोदी जी को वोट देंगे? दे रहे, काम उनके अच्छे हैं, पर ये जो जैसे क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा है अभी तक मोदी जी का? जैसे ब्लैक मनी में काफी तब्दील हो गई कि मतलब रोक टोक हो गई है, ब्लैक मनी रोक टोक हो गई बिल्कुल है, और उनके काफी काम अच्छे मतलब हैं। काला धन इस देश के अंदर अब खत्म हो गया है, खत्म हो गया, आप यही समझते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, इनके अकॉर्डिंग देश के अंदर काला धन खत्म हो चुका है,